हेलो। यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंगडम एनिमलिया। पूरा रिवाइज करेंगे। यस, एंड देन वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर क्वेश्चंस। ओके, अभी ये साल तुम्हारे सिलेबस कम हुआ है, तो किंगडम एनिमलिया में से काफी कुछ आने वाला है। वो एक ही चैप्टर जो बहुत बड़ा चैप्टर है आपके सिलेबस। सो वी आर गोइंग टू जस्ट रिवाइज द होल थिंग वन मोर टाइम एंड फिर चैप्टर क्वेश्चंस करेंगे। यस, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनाली शाह एंड वेलकम टू नून एकेडमी। सो वी हैव डिस्कस्ड किंगडम एनिमलिया, आज उसका पूरा रिविजन करेंगे। यस, एंड लेट्स सी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस एंड एंड में चैप्टर क्वेश्चंस करेंगे। यस, सो पुराने लेक्चर सारे अवेलेबल है, फ्री है पूरे। तुम अगर इसमें जाओगे ना, लेक्चर्स हमारा व्हाट यू कॉल शेड्यूल में देखोगे तो पास्ट लेक्चर्स मिलेंगे तुम्हें सारे। यस, सो विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट एंड देन लास्ट में हम लोग पूरा रिविजन करते हैं। यस, ओके। सो फर्स्ट थिंग, वी डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन, राइट? यस, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम किया था हमने। सो क्या बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ था? व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स? व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया? सी, सबसे पहले, हेलो सैम, यस, वेरी गुड। सो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहला था, यस, बॉडी शेप, यस, सेल्यूलर है, ये कैसा अरेंजमेंट है, सो हाउ डू दे फंक्शन। सेकेंड थिंग क्या था? सिमेट्री, वेरी गुड। सिमेट्री पे डिवाइड किया था हम लोग ने कि इंडिविजुअल कैसा है और एनिमल क्या है। तुम्हारे एनिमल एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, रेडियल सिमेट्री है, वेरी गुड। नेक्स्ट था जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स मतलब डिप्लोब्लास्टिक है, उसको दो ही लेयर्स से बना है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री लेयर्स से। फिर उसके अंदर कैविटी है कि नहीं है, तो वी डिस्कस्ड अबाउट सीलम। प्योर कैविटी है, पार्शियल है, इनकम्प्लीट है। हेलो शगुफ्ता, यस, एंड वॉट एल्स? और एक पॉइंट तक डिविजन का, वॉट वॉज दैट? एक्सोस्केलेटन वगैरह मेन क्राइटेरिया नहीं थे। इसके अलावा था बॉडी का डाइजेस्टिव पैटर्न। यस, यस, सॉरी शगुफ्ता, दिस इज योर फर्स्ट क्लास विथ मी। यस, इज दिस योर फर्स्ट लेक्चर? यस, अगेन वो सारी चीजें तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम में आते हैं। शगुफ्ता, वेर आर यू फ्रॉम? सो जस्ट अ रिव्यू, वी आर बेसिकली डिस्कसिंग किंगडम एनिमलिया। हम लोग ने चैप्टर खत्म किया है, चैप्टर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज द होल टॉपिक। यस, ओके। सो बॉडी पैटर्न, बॉडी पैटर्न मतलब क्या था बॉडी पैटर्न में? वॉज इट सेल एग्रीगेशन है, या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब है, राइट? या फिर ब्लाइंड सैक अरेंजमेंट। सो दीज आर द मेन क्लासिफिकेशन पॉइंट, मेन पॉइंट यूज टू क्लासिफाई किंगडम एनिमलिया। यस, ओके। हु प्रपोज द वाइट ऑकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? किसने दिया था? आर एच वाइट ऑक, वेरी गुड। एंड क्या था, कौन से फाइव किंगडम्स थे? विच वर द फाइव किंगडम्स? सबसे पहले, यू कैन यूज योर बुक, यू कैन रेफर इट, नो इश्यूज। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे,
और लास्ट में था एनिमलिया, राइट? ओके, अभी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी सारा रिवीजन करेंगे. सो जो भी एनिमल्स है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कौन से दो पार्ट्स? सबसे पहले एनिमल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक जिनके पास नोटोकॉर्ड है और जिनके पास नहीं है. सो द वंस विदाउट नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट. ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव स्पीशीज, मतलब बहुत स्टार्ट बेसिक लेवल के एनिमल्स हैं, यस. और जिनके पास कॉर्डेट्स हैं उनको बोलेंगे, जो नोटो का कॉर्ड है उनको बोलेंगे कॉर्डेट्स. सो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ठीक है, हम लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देन वी विल डिसाइड. सो नोटो कॉर्ड नहीं है बेसिकली, वेरी गुड, पवन नोज, राइट? यस. जिनके पास जो कॉर्डेट्स है उनके पास क्या है, एक नोटो कॉर्ड है. इनके पास नोटो कॉर्ड नहीं है. नेक्स्ट, जो नर्वस टिश्यू है कहाँ पे है? जो नर्वस टिश्यू, मतलब जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ है, तो डॉर्सल है हमारा ना, कहाँ पे है? डॉर्सल. डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, एंड उसके अंदर क्या है, कैविटी है, तो इट इज हॉलो. बट नॉन कॉर्डेट्स जो है छोटे, लाइक अर्थ वॉर्म एंड कॉकरोचेस, उनका कहाँ पे होगा नर्वस का सिस्टम? वेंट्रल होगा, मुंह की तरफ होगा, अंडरस्टूड? एंड इट इज सॉलिड. सॉलिड का मतलब क्या है, उसमें कुछ कैविटी नहीं है, कुछ नहीं है, फाइन. अभी हार्ट, हमारा हार्ट किधर है? आगे मुंह की तरफ है, तो हमारा हार्ट क्या है, वेंट्रल हार्ट है. और इनका हार्ट किधर होगा, पीठ की तरफ, डॉर्सल हार्ट है. वेरी गुड. गिल स्लिट्स, इसके पास गिल स्लिट्स नहीं है, हमारे पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स है. एनी डाउट्स? फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये सबसे इजी वे है टू रिमेम्बर. ओके, मैं डायग्राम का इमेज स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे डाल दूंगी. तुम लोग हो सब लोग टेलीग्राम पे? यस यस ओके. सो एंड में एज यूजुअल आई पुट द आई विल शेयर द लिंक. ओके, सो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप देयर, वहां पे डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे. ये सारे इमेजेस जो होते हैं मैं वो ऐड दूंगी. ओके. अरे यार, ये का है? यस, कैन यू हियर मी? यस. लास्टली ओके, वन मोर डिफरेंस, इनके पास टेल होगी तो पोस्ट एनल टेल है, इनके पास टेल नहीं है. तो अगर किसी ने डिफरेंस पूछा तो लिखने आएगा तुम लोग को? यस, पांच डिफरेंसेस है, लिखने आएगा? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टिल हियर? ओके, ग्रेट, यस, परफेक्ट. नेक्स्ट, अभी एक बार नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स में डिवीजन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, वेंट्रल और डॉर्सल का मतलब ना शिवा, वेंट्रल मतलब मुंह की तरफ, आगे की तरफ, तो हमारा हार्ट जो है मुंह की तरफ है, राइट? इट्स इन द फ्रंट. बट नॉन कॉर्डेट्स का हार्ट जो होता है वो डॉर्सल है, पीछे. अंडरस्टूड? एनी अदर डाउट्स इन द स्लाइड? गुड. अभी जो हमारे फाइला नॉन कॉर्डेट्स है, नॉन कॉर्डेट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू 10 फाइला, राइट? सबसे पहला था पॉरीफेरा, उसके बाद कौन सा था बोलो फटाफट, किसको याद है, किसने रिवाइज किया चैप्टर? यस, टीनोफोरा. बट टीनोफोरा के पहले भी एक था, कौन सा था? यस, तो हमारा पूरा डिस्टिंग्विश हो जाएगा. एंड जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ रहा है आप चैट में डाल दो, आई विल क्लियर इट. यस, पॉरीफेरा. पॉरीफेरा के बाद, वेरी गुड पवन, निडारिया. उसके बाद अखिलेश ने जैसे बोला टीनोफोरा. स्वयं जो भी डाउट्स थे ना तुम लोग के, जो मिस किया लेक्चर, प्लीज आज क्लियर कर देंगे. ओके, यस. नाउ यस, मैंने लिंक शेयर कर दिया, देखो चैट में.
टीनोफोरा, उसके बाद आएगा प्लाती हेलमेंस, मतलब फ्लैट है, उसके बाद आएगा एस्क हेलमेंस, एस्क हेलमेंस के बाद एनेलिडा, एनेलिडा के बाद नेक्स्ट कहाँ, नेक्स्ट कौन सा है? ये सबसे इजी वे है पूरा चैप्टर पढ़ने के, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डाटा एकदम लास्ट में आएगा, ओके आर्थ्रोपोडा के बाद है मॉलस्का, वेरी गुड कादम्बरी, नेक्स्ट कौन सा है? एकाइनोडर्माटा, और फिर लास्ट हेमिकॉर्डाटा, राइट? तो अभी एक एक पढ़ेंगे, सबके फीचर्स पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ रहा है प्लीज मुझे पूछो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि उनका अरेंजमेंट क्या है। पॉरीफेरा का जो पूरा अरेंजमेंट है वो सेल एग्रीगेट पैटर्न है, मतलब क्या है? सेल साथ में तो है बट खुद का फंक्शन खुद करेगा, ओके कोई भी सेल दूसरे को मदद नहीं करने वाला, दे आर इंडिपेंडेंट, दे जस्ट स्टे टुगेदर। फिर यहाँ पे आएगा टिश्यूज, यस वेलकम टू दैट, वेरी गुड कादम्बरी, टिश्यूज। प्लाती हेलमेंट्स के बाद से तुम्हारा ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होंगे, फर्स्ट पॉइंट समझा है सबको? यस ओके वेरी गुड। नाउ सेकंड, मुझे बताओ कैविटी, पॉरीफेरा में जो कैविटी थी, ठीक है, जो पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक होल था, वो कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील, क्या बोलते हैं? क्योंकि पॉरीफेरा स्पंज है, स्पंज के अंदर कैविटी है स्पॉन्जोसील, निडारिया के अंदर जो कैविटी है, यस उसको सिलेंटेराटा बोलते हैं बिकॉज उसमें कैविटी आ जाती है। नाउ मेन कैविटी कहाँ पे? प्लाथी हेलमेंट्स जो है, टीनोफेरा का इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लाथी हेलमेंट्स मतलब फ्लैट वर्म है, चौपट है, ठीक है, तो उसमें कैविटी होगा क्या? कैविटी होगा क्या? फ्लैट है पूरा चपाती के जैसा तो नहीं है, राइट? सो उसको क्या बोलेंगे? एसीलोमेट। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। एस्क हेलमेंट्स में क्या होता है? अभी देखो, देखो प्लाती हेलमेंट्स में अगर तुम लोग देखोगे ना, तो ऐसा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और ऐसे उसके लेयर्स है, बीच में कुछ गैप नहीं है, ये एक लेयर हो गया पूरा, उसके बाहर दूसरा लेयर, बट अगर आगे जाएंगे के बाद एस्क हेलमेंट आता है, राउंड वॉर्म आता है, राइट? सो राउंड वॉर्म में क्या होगा? कैविटी, ये उसके लेयर्स है, और ऐसे बीच में ना कैविटी में थोड़े थोड़े टिश्यूज आते हैं, पूरी एम्प्टी कैविटी नहीं है, थोड़े थोड़े टिश्यूज आते हैं, वेरी गुड, उसको क्या बोलेंगे? स्यूडो सीलोमेट, फेक कैविटी, स्यूडो सीलोमेट। और एनालिडा से आगे जब देखेंगे ना, तो क्या होता है? पूरी एक्चुअली स्पेस है उनके पास, एम्प्टी स्पेस है, ट्रू कैविटी है, तो वो हो गया है सीलोमेट या यू सीलोमेट, इसके आगे सारे सीलोमेट्स ही है। इधर तक समझा है सबको? यस यस स्वयं, शगुफ्ता, सुमैया प्लीज चैट में डाल दो, तो आई नो कि आपको समझ रहा है सब लोग को, राइट? नेक्स्ट अभी देखते हैं, पॉरीफेरा अलग है, उसको खत्म करते हैं। यस पॉरीफेरा में क्या है? एक ही कैविटी है, अगर पॉरीफेरा को मैं ड्रॉ करूं तो कैसा होगा? ऐसे सिलेंट सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्री कैसा है? एसिमेट्रिकल, मतलब कैसे भी कट करो कुछ सेम नहीं है, कुछ सिमिलर नहीं है। निडारिया कैसा होगा? रेडियल सिमेट्री। टीनोफोरा, वेरी गुड, रेडियल सिमेट्री। प्लाती हेलमेंट से क्या होगा? उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट, वेरी गुड, बायलैटरल सिमेट्री। ये सारे बायलैटरल है आगे, ठीक है, बायलैटरल, इसका मोस्टली बायलैटरल, कभी कभी एसिमेट्रिकल। एकाइनोडर्माटा रेडियल है, फिर ये बायलैटरल। इज इट ओके टिल हियर? इधर तक किसी को कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? ऑल गुड, वेरी गुड। सो नाउ कमिंग, ओप सॉरी 1 मिनट।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. चलो पीछे अभी देखेंगे कि इसके जर्म लेयर्स कितने हैं, मतलब क्या अगर मैं ऑर्गेनिज्म को कट करूं राइट तो उसके कितने लेयर्स हैं अंदर. ठीक है, तो या तो उसके पास दो लेयर्स होंगे, एक कैविटी है ये पहला फर्स्ट लेयर, फिर बीच में एक डेड लेयर होगा एंड देन अगेन अनदर लेयर विच इज लिविंग आउटसाइड. यस, सो दिस इज अ डेड लेयर एंड देन एक बाहर और एक लिविंग लेयर है. तो सिर्फ दो ही लिविंग लेयर्स है राइट. सो अंदर की जो लिविंग लेयर है उसको क्या बोलेंगे? यस, एंडोडर्म. बाहर की लिविंग लेयर को बोलेंगे एक्टोडर्म. और जो बीच में डेड लेयर है व्हाट इज दैट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड मीसोग्लिया. यस, नाउ बिकॉज दे हैव टू लेयर्स सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक. व्हाट आर दे कॉल्ड? डिप्लोब्लास्टिक. एंड सम ऑर्गेनिजम्स दे शो थ्री लेयर्स, एंडोडर्म. उसके बाहर की लेयर को बोलेंगे मीसोडर्म. सबसे बाहर की लेयर को बोलेंगे एक्टोडर्म. सो ये एनिमल्स जिनके पास थ्री लेयर्स है व्हाट डू वी कॉल देम? ट्रिप्लोब्लास्टिक. व्हाट डू वी कॉल देम? सो अभी देखते हैं हमारे डिवीजन में डिप्लो कौन है, ट्रिप्लो कौन है. पॉरीफेरा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ है ही नहीं उसमें, लेयर्स ही नहीं है. ओके, निडारिया हो गया डिप्लोब्लास्टिक. टीनोफोरा कैसा है? वेरी गुड, डिप्लोब्लास्टिक. प्लाथी से आगे सारे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ऑल गुड, समझ में आ रहा है? वेरी गुड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनका? इज इट डेवलप्ड और नो? सो एक होता है ब्लाइंड सैक, मतलब दे हैव ओनली वन ओपनिंग, ओनली वन ओपनिंग. एक की ओपनिंग से खाना अंदर जाता है, वेस्ट बाहर आता है. यस, सो इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक. एंड ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इनकम्प्लीट है, क्योंकि मुंह है और एन सेम पॉइंट है. एंड इन एडवांस्ड स्पीशीज इफ यू सी, यस दे हैव टू ओपनिंग्स. एक तरफ तो माउथ होता है एंड ऑन द अपोजिट साइड वी हैव एनस. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब अरेंजमेंट. एंड दिस इज इट हैज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस, कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है गाइस? Any confusion? Okay, great, great, great. Swayam, are you understanding? Last time इसमें confusion था ना थोड़ा सा ये part में. इसको अगेन कुछ फर्क नहीं पड़ता है. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ब्लाइंड sac. तो ये होता है ब्लाइंड sac. टीनोफोरा भी हो गया ब्लाइंड sac. प्लाथी कैसा होगा? प्लाथी कैसा है? Yes, how is Plathielmens? Tube, very good. Tube within tubes. Pura aage abhi sare tube within tube hai. Okay, ghar pe jaake pakka ye banao. You will remember the whole chapter. I told you na, ek double full scape le lo. Ek side sare ye organisms. Kaun se? Non-chordates. Next side, sorry, chordates. Okay, fine. अभी एक एक सिस्टम लेते हैं. चलो, पॉरीफेरा में जो सेल्स, स्पेशल सेल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? कॉलर सेल्स. एंड ये क्या करते हैं कॉलर सेल्स? क्या करते हैं? खाना. यस, दे हैव फ्लैजेला. मतलब अगर मैं एक कॉलर सेल ड्रॉ करूं ना, ऐसा होता है और उसको ऐसे फॉल, यस फ्लैजेला रहते. ठीक है, एंड दिस विल, जो भी पानी अंदर आ रहा है ना, वो पानी में से क्या करेगा? इट विल अब्सॉर्ब द फूड. यस, वेरी गुड.
नाउ पॉरीफेरा में ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स है, इसमें से पानी अंदर आता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? ऑस्टिया. एंड जो ऊपर एक बड़ा बड़ा वाला ओपनिंग जो है उसको बोलेंगे ऑस्क्यूलम. यस, कंफ्यूजन टिल हियर? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? नो. प्लैटी में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है. ओके, आस्क से लेके आगे सारे प्लैटी, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है. ओके, मतलब प्लैटी बराबर है. यस फाइन. कॉलर सेल्स. वैसे ही अभी नेक्स्ट वाला है निडारिया. निडारिया मतलब हाइड्रा. तो उसके पास क्या होता है, कौन से सेल्स होते हैं पॉइजन डालने वाले? नीडो ब्लास्ट. कौन से सेल्स? वेरी गुड. याद रह रहा तुम लोग को? नीडो ब्लास्ट. नेक्स्ट होता है टीनोफोरा. है टीनोफोरा के पास भी तो सेल्स है. यस, उसके पास क्या है? पहले तो कॉम्प्लेट है. यस, विल कम टू दैट. ओके, कॉम्प्लेट है. कॉम्प्लेट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं एक टीनोफोरा ड्रॉ करूँ ना, तो वो ऐसा कंप्लीट सर्कल जैसा दिखता है. यस, इट इज सेल. सेल सेल ठीक है. एंड बेसिकली टीनोफोरा में इसको क्या बोलते हैं? कॉम्ब जेलीज बोलते हैं, या फिर सी वॉलनट्स बोलते हैं. ओके. एंड वाई वाई डू दे हैव दिस? तो फॉर लोकोमोशन उनके पास ऐसे बहुत सारे सीलिया रहेंगे अरेंज लाइक दिस. इसको कॉम्प्लेट्स बोलेंगे. समझा? एनी डाउट्स? व्हाट आर कॉम्प्लेट्स? यस एवरीवन. चलो अभी मेन मेन चीजों पे आते. पॉरीफेरा में क्या था? ऑस्टिया अलग था, ऑस्क्यूलम था, और उसके पास पूरी बॉडी किससे बनी है? स्पिक्यूल्स मतलब कांटों से बनी है. यस, निडारिया में क्या स्पेशल है? कौन सा सिस्टम आता है? वेरी गुड, वेरी गुड अखिलेश. टेंटाकल्स है. और क्या, कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम पहले डेवलप हुआ है कि नहीं? तो इनमें नर्व्स आ जाती है. सबसे पहला डेवलपमेंट है नर्वस सिस्टम का. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? यस, जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में बैठे हैं, तुम लोग को समझ में आ रहा है? यस. नाउ बाकी तो तुम्हारे रिप्रोडक्शन वगैरह वाले पॉइंट्स वेरी डायरेक्ट है, कुछ इश्यू नहीं है. यस, निडारिया में दो टाइप्स होते. कौन से दो टाइप्स? पॉलिप और मेड्यूसा. ओके, पॉलिप कैसा था? ओके, सुमैया, जो पुराने दो तीन लेक्चर्स हुए हैं ना, आप वो एक बार गो थ्रू करोगे ना, तो ये पूरा इजी लगेगा. यस, सो पॉलिप वाज लाइक दिस रॉड, सिलेंड्रिकल, और मेड्यूसा जेलीफिश टाइप. यस, तो जो तुम्हारा निडारिया है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो टाइप का होता है. एक होता है पॉलिप टाइप, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, और दूसरा होता है मेड्यूसा टाइप, और इसका एग्जाम्पल क्या है? जेलीफिश, जिसको बोलते हैं ऑरेलिया. यस, ऑल गुड. टीनोफोरा का स्पेशलिटी क्या है? सिर्फ स्पेशलिटी करते जाएंगे. बायोल्यूमिनेंस मतलब पानी में क्या होगा? लाइट देगा. यस, पानी में ग्लो करेगा. ओके, नेक्स्ट प्लाटी हेलमिंट्स का स्पेशलिटी क्या है? हर्माफ्रोडाइट है. यस, फ्लैट है. वेरी गुड. हर्माफ्रोडाइट, व्हाट डू यू मीन बाय हर्माफ्रोडाइट? दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एक ही साथ है, राइट? यस, एनी कंफ्यूजन टिल हियर? यस, दे आर ऑल पैरासाइटिक. एंडो पैरासाइट है, बॉडी के अंदर चिपक के रहेंगे, और चिपकने लिए उसके पास क्या होगा? सकर्स होंगे.
या हुक्स होंगे. एनी कंफ्यूजन? यस. इसके अलावा क्या है? उसके पास प्रोटोनेफ्रिडिया है, दैट इज फाइन. इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है. यस. क्यों नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम? क्यों नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम बोलो? हैज टू बी अ रीजन. बिकॉज ये क्या करेगा, होस्ट के अंदर है ना, दूसरे एनिमल के अंदर है, सो इट्स गोइंग टू जस्ट टेक दैट. यस. ओके नेक्स्ट. एस्केल्मिन्स. एस्केल्मिन्स क्या थे? राउंड वर्म्स थे. यस, दीज आर फ्लैट वर्म्स, दे आर राउंड वर्म्स. एंड एनालिड्स को बोलते हैं रिंग वर्म्स. तो ये क्या है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाएगा. मतलब क्या होता है? दोनों सेक्सेस अलग है. यहाँ पे कौन सा सिस्टम आया? मसल्स आए, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स. कौन से मसल्स आए? लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, राइट? यस. एंड बाकी तो ठीक है, नर्वस सिस्टम, एवरीथिंग एल्स इज फाइन. मेटामरिज्म नेक्स्ट में आता है. जो एनालिड है वो अर्थवर्म जैसा है, तो उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन आ जाएगा, लॉन्ग एंड सर्कुलर मसल्स आ जाएगा. इज दैट फाइन? रेस्पिरेशन थ्रू द वॉल. यस, थ्रू द क्यूटिकल. एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन टिल योर? यस, सेंटर में एक है, वेरी गुड. क्लिटेलम. यस, जहां पे एग स्टोर होते हैं. वेरी गुड अखिलेश, क्लिटेलम. चलो आर्थ्रोपोडा. पहला तो उसके पास हेड, थोरैक्स, अब्डोमेन सब अलग अलग हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस. वेरी गुड. मेटामॉर्फोसिस होगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म चेंज होगा, डेवलप होगा. इसके पास सेंसरी सिस्टम आएगा. ओके, आईज, एंटीना, रिसेप्टर्स, काइटिन. वेरी गुड, इट्स मेड ऑफ काइटिन. बाकी ठीक है, सेम है फिर, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है. ओके, एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया. अभी मॉलिस्का में स्पेशल क्या है? हेड, फुट, विसेरा. वेरी गुड, सॉफ्ट बॉडीड, मेंटल है. और एक्सोस्केलेटन किसका है? कैल्सरस, कैल्शियम कार्बोनेट का है. किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का है. ठीक है, इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम तो है और रेडुला है. याद आया रेडुला? व्हाट वाज रेडुला? रास्पिंग ऑर्गन, फीडिंग ऑर्गन, टंग के जैसा, जिस राइट. नेक्स्ट, एक्सक्रीशन के लिए ठीक है, ऑर्गन ऑफ बजॉन्स. ओपन टाइप ऑफ सिस्टम. एंड ब्लड का कलर क्या है? हीमोसाइनिन. ब्लड इज ब्लू इन कलर. कंफ्यूजन है कुछ? इसके अलावा इसके पास ऑस्फ्राइडिया है, सो इट कैन टेस्ट पानी कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, पानी में जाए कि नहीं जाए. एकाइनोडर्माटा में क्या है? स्पाइन्स है. यस, यहाँ पे हीमोसिल है. एंड ब्लड इज कलरलेस. वेरी गुड. अभी एकाइनो वाले के बताओ क्या क्या है. यस, नेक्स्ट. इसके पास कौन सबसे स्पेशल? वॉटर वैस्क्यूलर सिस्टम. किसका एग्जाम्पल? मोलस्का का. मोलस्का का एग्जाम्पल हो गया ऑक्टोपस, या फिर शेल्स होते ना, प्रॉन्स वगैरह. ओके, एकाइनोडर्माटा का है स्टारफिश. यस, वेरी गुड. वॉटर वैस्क्यूलर सिस्टम है, मतलब पानी अंदर जाता है, पानी के साथ खाना वाना सब अंदर जाएगा. तो इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि पानी सब लेके जाता है. सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है,
एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है. वेरी गुड गाइस. यस, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स है, फाइन. बाकी तो इजी पार्ट है. लास्ट है हेमिकॉर्डाटा. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, एंड इट स्टेज. यस, वेरी गुड. इट इज द कनेक्टिंग लिंक, स्टेज इन बरोज, एकदम जमीन के नीचे. एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड है, गिल्स है, स्टोमाकार्ड है. कंफ्यूजन है क्या, कुछ डाउट्स है? मेल शॉर्ट, फीमेल लॉन्ग ना, एस्केल्मिन्स में होगा, इधर नहीं दिखेगा. यस, ओके. एंड ओपन सर्कुलेशन गिल्स. यस, वेरी गुड. साइक्लोस्टोमेटा बहुत सारे टाइम पास है. इसका एग्जाम्पल है बेलानोग्लॉसिस करके, एक एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल कौन सा है? बेलानोग्लॉसिस. एंड दूसरा है सैकोग्लॉसिस. ओके, अभी जो नॉर्मल वाले ना वो टाइम पास नहीं करते. सेफालोकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, अभी मेन आते हैं कॉर्डाटा में. क्या है? एम्फीबियंस, एक्चुअली फिशेस पहले लेते हैं. पाइसेस, यस. एग्नाथा में ज्यादा कुछ डिटेल्स है नहीं, इसके लिए मैं स्किप कर रही हूँ. ठीक है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये क्वेश्चन आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट. एव्स एंड लास्टली मैमल्स. एनी कंफ्यूजन टिल हियर? यस, लेट्स स्टार्ट. अभी तुम लोग बोलो, अभी तो आता है, इजी इजी है. पहला हैबिटेट बोलेंगे. वेरी गुड. कैसा है हैबिटेट? एक्वाटिक. एम्फीबियंस का तो दोनों भी ऑप्शंस है उसके पास. यस, ओप्स, सॉरी, वन मिनट. एक्वाटिक, एक्वाटिक प्लस टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल एव्स है, एरियल, और हम लोग हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट. हार्ट. हार्ट टू चेम्बर, थ्री चेम्बर, थ्री चेम्बर, फोर चेम्बर, फोर चेम्बर. बराबर है. सर्कुलेशन कैसा होगा? सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सिंगल. और हाँ, एक्सेप्शंस क्रोकोडाइल. वेरी गुड. डबल सर्कुलेशन. यस, नेक्स्ट थिंग, टेल मी अबाउट दिस. न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सबके पास है, हमारे पास नहीं है. और एक्सेप्शन है कैमल. एनी कंफ्यूजन टिल हियर? ओके, नेक्स्ट. वेरी गुड. इट्स बाई कॉन्वेक्स, यहाँ पे कॉनकेव है. अभी एक्सोस्केलेटन किसका है? स्केल्स. नो एक्सोस्केलेटन. रेप्टाइल्स में ड्राई स्केली. एव्स में फेदरी ड्राई. मैमल्स में हेयर, नेल, एक्सेट्रा, फर. वेरी गुड. हूव्स. इजी हो गया ये चैप्टर. रेस्पिरेशन के लिए क्या है? गिल्स. गिल्स, लंग्स, दोनों का ऑप्शन ओपन है. और फिर लंग्स. अभी स्पेशलिटी, इसके पास क्या है? फिन्स है. एम्फीबियन का स्पेशलिटी नो नेक. ओके, रेप्टाइल्स का स्पेशलिटी क्या है? यस, स्पेशलिटी ऑफ रेप्टाइल्स. यस, सॉरी, टिम्फैनम है. वेरी गुड. क्रीपिंग है. यस, लिम्बलेंस सिर्फ स्नेक है. एव्स का तो बहुत सारे लॉन्ग बोन्स विथ एयर इन देम.
यस ओके, वेरी गुड. बीक है और क्या है? हॉलो बोन्स, वेरी गुड. एंड क्या बोला? वेट कम होने के लिए फीमेल्स के पास सिर्फ लेफ्ट ओविडक्ट एंड लेफ्ट ओवरी है, राइट? मैमल्स का मैमरी ग्लैंड्स, कॉर्पस कैलोजम और क्या है? यस, स्वेट ग्लैंड्स, वेरी गुड. पेरेंटल केयर, सेबेशियस ग्लैंड, समझा? ओके ओके, आई डिडंट सी दैट, सॉरी. पाइसेस का वेंट्रल साइड इज रेजिस्टेंट टू वाटर. यस यस, सॉरी, आई डिडंट सी दैट. ओके, आई थिंक कोई डाउट है. यस, टीथ स्ट्रक्चर, सो दे आर हेट्रोडॉन्ट. एनी कंफ्यूजन? ओके, लेट्स गो नाउ टू द चैप्टर क्वेश्चंस. इजी इज, ये फटाफट हो जाएंगे. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? दैट्स फाइन, जस्ट गो थ्रू द टॉपिक. क्लासिफिकेशन क्या करेगा? कंफ्यूजन नहीं करेगा. इट इज इजी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एनिमल. यस, एंड इफ यू हैव स्टडीड ऑर्गेनिज्म, यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द स्पीशीज, ऑल सॉरी ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट टाइप. स्टेट द पैरासिटिक अडेप्टेशन इन लिवर फ्लूक एंड एस्कैरिस. क्या है? सोचो, वट आर द पैरासिटिक अडेप्टेशन इन लिवर फ्लूक एंड एस्कैरिस. पैरासिटिक मतलब पैरासाइट, बेसिकली दूसरे के दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहने वाला है, राइट? दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने वाला है. सो फॉर दैट हाउ इट इज अडेप्टेड? ओके, यस, इट हैज अ सकर. Okay, and Ascaris also has suckers. They don't have a digestive system. बराबर है? So उनको मेहनत ही नहीं करनी है, directly खाना मिलेगा. Then Ascaris में तो sexes different है, but liver fluke में वापस क्या मिलेगा? Hermaphrodite है. Yes, understood. So these are the main differences. Okay, ठीक है. Give an example of a free living. कौन सा है फ्री लिविंग? विच इज अ फ्री लिविंग प्लैटीएलमेंट्स? ओके, प्लैनेरिया इज अ फ्री लिविंग. कौन सा है? प्लैनेरिया, वेरी गुड. यस ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मेटामेरिक सेगमेंटेशन? तो अर्थवर्म में मिलता है ना, पूरी बॉडी में ऐसे पार्ट्स 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 डिवाइडेड है, दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. यस ओके, ये तो हमने किया था. एनलिस्ट हार्मफुल आर्थ्रोपॉड्स. हार्मफुल आर्थ्रोपॉड्स कौन से हैं जो डैमेज करेंगे? कौन से हैं? थिंक थिंक, कौन से हैं? कॉकरोचेस, यस, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, बराबर है? लोकस्ट, हमने बोला था ना, ग्रेगेरियस पेस्ट. ओके, व्हाई डू मॉलस्क हैव अ शेल? क्या रीजन होगा मॉलस्क के पास शेल? बिकॉज क्या है? दे आर, यस, वेरी गुड, सेंटीपीड एज वेल. मॉलस्क के पास खुद का शेल क्यों होगा? बिकॉज दे आर सॉफ्ट बॉडीड, दे हैव ऑल द विसरल मास कवर्ड बाय अ मेंटल, सो फॉर प्रोटेक्शन दे हैव दिस कवरिंग. यस, वेरी गुड. नाउ ये हो गया सेम क्वेश्चन, सॉरी. Herdmania is called a chordate. क्यों? Because it has all the characteristics of chordate. क्या क्या characteristics है? Yes, chordate के क्या क्या characteristics है? Notochord है, उनके पास heart ventral है. You will write all of these. Understood? समझ रहा है? Okay. Now, petromycin. How does it सर्वाइव? सी, पेट्रोमाइजन जो है ना, ये एक बेसिकली पैरासाइट है. यस, तो अगर कोई भी फिश होगा ना, सो द पेट्रोमाइजन विल सक विल अटैच इट सकर्स एंड जस्ट टेक डायरेक्ट नरिशमेंट फ्रॉम देम. यस ओके ओके. नाउ कॉन्ड्रीसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स.
को डिफरेंशिएट करना है। स्केल्स कैसे है, कॉन्ड्रोसाइट्स के कैसे है, थिंक कॉन्ड्रोसाइट्स के स्केल कैसे होंगे? नहीं, नॉर्मल नहीं, दो तरह के स्केल, नहीं प्लकॉइड थे और साइक्लॉइड थे, ऐसे मैंने सिखाया था ना, तो कॉन्ड्रोसाइट्स के प्लकॉइड होंगे ऐसे, यस, एंड ऑस्टियोसाइट्स के अंदर बोन है ना, तो उसके साइक्लॉइड होंगे या टेनॉइड, अंडरस्टूड? यस। एंड कॉडल फिन कैसे होगा, इनका हेट्रोसर्कल मतलब अनइक्वल, और ऑस्टियोसाइट्स का होमोसर्कल मतलब इक्वल, समझे हैं ये पॉइंट? यस, ओके। व्हाट इज द लैटरल लाइन सिस्टम? यस, बेसिकली क्या बोलते हैं कि जो एक्वाटिक एनिमल्स है ना, सी दीज आर द एक्वाटिक एनिमल्स, दे हैव टू पास थ्रू वाटर कंटिन्यूअसली, सो दे हैव ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स ऑन द साइड्स, यस, ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स आर ऑन द साइड्स, इसको बोलते हैं लैटरल लाइन सेगमेंट, समझा? बिकॉज दे आर गोइंग टू ब्रश थ्रू वॉटर, तो कुछ ऑर्गेनिज्म आ रहा है, कुछ टच हो रहा है, कुछ प्लांट टच हो रहा है, एनीथिंग साइड में ही फील होने वाला है, तो सारे रिसेप्टर, सारे सेंसरी रिसेप्टर साइड में है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। व्हाई पाइसेस हैव अ वीनस हार्ट? वीनस मतलब इम्प्योर ब्लड, राइट? सो व्हाई इट हैज अ वीनस हार्ट, बिकॉज सी ये अगर फिश है, सो द हार्ट इज लाइक दिस, द इम्प्योर ब्लड रीचेस द एट्रिया, एट्रिया से वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स से जाएगा गिल्स के पास, ओके, ये गिल्स उसको प्यूरिफाई करेंगे और बॉडी में भेजेंगे, सो देर इज सिंगल सर्कुलेशन, वेरी गुड जुआ, देर इज सिंगल सर्कुलेशन, दैट्स वाई उनके पास वीनस हार्ट है, ओके। Amphibians do not have an exoskeleton. Why? Because they need to survive in water. They need to breathe through their skin. That is why they don't have any exoskeleton. Samjha? Because unka respiration kahan se hota hai? Pura skin se. Okay. इसका तो है, किसका तो है, टोड का, राइट? बट टोड कैन सर्वाइव ऑन लैंड ऑल्सो, तो उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग के लिए दूसरा लंग्स रिलेटेड, एक्टिव लंग्स है, यस, ओके। टर्टल्स बेसिकली जो शील्ड तो होता है, बट दे कैन सर्वाइव, दे विल रेस्पायर थ्रू एन ऑर्गन कॉल्ड एज क्लोका, उसके बाहर एंड में जो, अगर ये उसका फेस है, सो पीछे की तरफ जो उसका क्लोका है, वहां से रेस्पिरेशन होगा, yes, okay, now adaptations in apes for flying, maine bola na, oh we missed something, why are amphibians and reptilians called poikiothermic, kyun bolte hai poikiothermic, because they are cold blooded, their body cannot maintain the internal temperature constant, samjha? Yes. क्यों ऐसा? बिकॉज उनके पास ब्लड क्या है, बॉडी में जो ब्लड है वो पूरा मिक्स्ड टाइप का ब्लड है, प्योर ब्लड नहीं है, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, एव्स, गिव अडेप्टेशन फॉर एव्स फॉर फ्लाइंग, क्या क्या होगा फ्लाइंग के लिए, उनके पास बहुत सारी चीजें है, क्या है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, वेरी गुड, सो दैट the air, they can pass through the air current, very good, hollow bones hai, yes, so they are lightweight, feathers hai, converted, the forelimb is converted to wings, yes Kadambari, perfect, air sacs hai lungs mein, and what do you call, only left ovary and left oviduct hai, so they are lighter, okay, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, सो तो पूरा उसका टेल क्लीन कर सकता है। नाउ एव्स एंड मैमल्स आर होमियोथर्म्स, व्हाई? सोचो,
इसका रीजन बोला है मैंने, क्यों होमियो टर्म्स है वो, क्या स्पेशल है उनके पास, डबल सर्कुलेशन है, राइट, इसके लिए वो वार्म है। वो पूछे क्यों वार्म है, क्यों होमियोथर्मिक है, बिकॉज ऑफ द डबल सर्कुलेशन, अंडरस्टूड? यस, सो द ब्लड मूविंग इन द बॉडी इज ऑक्सीजनेटेड ओनली। हाउ मैमल्स आर डिफरेंट, अब भी हम लोग ने डिक्लेयर किया, डिसाइड किया मैमल्स के क्या स्पेशल है, मैमरी ग्लैंड्स है, वेरी गुड, कॉर्पस कैलोजम है, पिना है, व्हाट एल्स व्हाट एल्स, द एक्सोस्केलेटन इज ऑफ हेयर, फू हेयर, फर, हूव्स, नेल्स, हेटेरो, ओ हेटरोडॉन्ट, सॉरी, या वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, वेरी गुड, और क्या है, पेरेंटल केयर बहुत है, प्लेसेंटा है, सॉरी प्लेसेंटल है, एंड वीवी पैरस है, अंडरस्टूड? बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस मैमल्स आर डिफरेंट, वेरी गुड, नेक्स्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ माइनर फाइलम, माइनर फाइलम सबसे छोटा फाइलम है टीनोफोरा का, सो टीनोफोरा में कौन आते हैं, कोम जेली आते हैं, कौन आते हैं, यस, सिलेक्ट द एनिमल हैविंग अ वीनस हार्ट, वीनस हार्ट किसमें था, फिशेज में, यस, सो फिशेज मतलब रोहू, सेलेमेंडर रेप्टाइल है, ओके, मिक्स्ड ब्लड जाएगा, बट फिशेज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा, एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस में मिक्स्ड ब्लड जाएगा बॉडी में, ओके, इन एस्कैरिस डैश, इन एस्कैरिस कैसे, प्लाथी है ना, सो मीजोडर्म इज प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ बर्ड्स, तो दे डोंट हैव टीथ, बीक है ना उनके पास, यस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज सीन इन मिलिपीड, वेरी गुड, क्योंकि वो आर्थ्रोपोड है, ओके ओके, विच रेप्टाइल हैज फोर चेम्बर्ड कंडीशन, कौन सा था, यस पवन ने बोला था ना अभी, कौन सा था रेप्टिलियन, क्रोकोडाइल, ओके, द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज इवॉल्व फ्रॉम ओपन टू क्लोज, विच फाइलम हैज क्लोज, पहली बार क्लोज सर्कुलेशन किसके पास आया, एनालिडा के पास, यस, किसके पास, एनालिडा, पिना इज द एक्सटर्नल ईयर, डू द अदर एनिमल्स एप्स एंड रेप्टाइल्स, इनके पास पिना होता है क्या, नो, सिर्फ मैमल्स के पास होगा, फिशेज एंड फ्रॉग कैन रेस्पायर इन वाटर, कैन दे रेस्पायर थ्रू स्किन, यस, फिर गिल्स क्यों है उसके पास, गिल्स क्यों है, बिकॉज अंडर वाटर ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज दे यूज गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, समझा, ओके, हाउ इज द स्केलेटन ऑफ बर्ड्स, क्या था, लॉन्ग बोन्स है, यस, एंड दीज लॉन्ग बोन्स आर न्यूमैटिक, न्यूमैटिक मतलब हॉलो है, उनमें ब्लैडर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट, फीमेल्स में क्या है, लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट इज प्रेजेंट, सबको समझ रहा है, नाउ निडारियंस एंड टिनोफोरा आर डिप्लोब्लास्टिक, व्हाट एल्स इज कॉमन इन देम, दे हैव ब्लाइंड सैक बॉडी पैटर्न, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, यस, ओके, नेक्स्ट, क्रैब एंड स्नेल हैव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, दोनों में सेम है क्या, दोनों में डिफरेंट है, क्रैब और स्नेल का प्रोटेक्टिव कवरिंग डिफरेंट है, क्रैब का किससे बना है, काइटिन से, और स्नेल का कैल्स, यस, इवन टिश्यू लेवल, वेरी गुड, यस, टिश्यू लेवल भी डिफरेंट है फाइला में, इनमें क्या क्या है, दे शो टिश्यू लेवल,
और क्या बोला हमने? रेडियल सिमेट्री बोल दिया. व्हाट एल्स? व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट आई सेड? यस, टिश्यू लेवल, रेडियल सेल्स. ओके, एंड व्हाट एल्स वाज कॉमन? ब्लाइंड सैक पैटर्न, राइट. नाउ क्रैब एंड स्नेल. क्रैब का जो कवरिंग है वो किससे बना है? काइटिन से बना है. और स्नेल का किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट. यस यस, इवन एक्वाटिक, वेरी गुड. स्पंज एंड सी स्टार शो कैल्सरस प्रोटेक्टिव मटेरियल. आर दे इन द सेम फाइलम? नहीं, ये तो अभी हमें पता है. स्पंजस पोरिफेरा में जाते हैं. यस एंड ये सी स्टार्स कहाँ पे? एकाइनोडर्माटा, वेरी गुड. फिश एंड स्नेक बोथ हैव स्केल्स. हाउ डू दी स्केल्स डिफर? यस, सो द स्केल ऑन फिशेस दैट आर देयर, दे आर डर्मल स्केल्स, मतलब बॉडी के ऊपर है. बट स्नेक के क्या? एपिडर्मल है, मतलब उसकी स्किन ही वो कांटों से बनी है. समझा? स्किन ही स्केल्स से बनी है. यस, सो इफ यू वॉन्ट आई राइट डाउन, फिशेज में क्या है? स्केल्स आर ऑन द स्किन, सो दे आर डर्मल. एंड हमने पढ़ा दो टाइप है, टेनॉइड, प्लकॉइड एंड टेनॉइड और साइक्लॉइड. एंड स्नेक में इट इज एपिडर्मल. यस, नाउ नाउ नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? सॉरी, मेटामॉर्फोसिस. वेयर डू वी गेट मेटामॉर्फोसिस? इन कॉर्डाटा, इन एम्फीबियंस, राइट. फ्रॉग में दिखता है ना, फ्रॉग में क्या होता है? टैडपोल होता है, टैडपोल से फ्रॉग बनता है, तो इट शोज मेटामॉर्फोसिस. कोई डाउट्स है किसी को? ओके, अभी चलो फटाफट मैच करो. एनालेडा, अच्छा मतलब एक मिनट, किस मेटामॉर्फोसिस मतलब उसकी बॉडी पूरी स्ट्रक्चर चेंज होता है. जैसे बटरफ्लाई में देखो, कैटरपिलर था पहले, फिर उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होके बटरफ्लाई बनता है. दैट चेंजेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. समझा अखिलेश? यस. नाउ मैच द फॉलोइंग. एनालिडा क्या स्पेशल है? एनालिडा में क्या स्पेशल है? एनालिडा में पैरापोडिया, वेरी गुड. मोलस्का में रेडुला, राइट. ओके नेक्स्ट. टीनोफोरा में कॉम्प्लेट्स. पोरिफेरा में ऑस्टिया और एकाइनोडर्माटा ट्यूब फीट. इजी है. ओके, आइडेंटिफाई द एनिमल एंड जस्ट टेल द नेम ऑफ द फाइलम. हम लोग को पूरा डिटेल्स करने का जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी अब भी किया, राइट. यस, सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज दिस एनिमल. इफ यू वांट चेक योर बुक. ये क्या है? ग्लो कर रहा है ना, तो इट इज टीनोफोरा. यस, टीनोफोरा में आएगा ये. ओके, इट्स बेसिकली अ कॉम जेली. यस, नेक्स्ट वाला तो दिख रहा है. एक मिनट, ये क्या है? प्लाती है? नहीं, इट्स नॉट प्लाती. यू कैन सी के थिकनेस है ना, सो इट्स नॉट प्लाती. यस, इट इज समथिंग फ्रॉम कॉर्डेटा. यस, सम कॉर्डेट. इट कुड बी स्नेक लाइक और ईल लाइक, कुछ भी हो सकता है. यस, डॉल्फिन. डॉल्फिन किस में आता है? मैमल्स. डॉल्फिन इज अ मैमल. नेक्स्ट, स्नेक इज अ रेप्टाइल. इजी है. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट वन? काटे उसको. काटे मतलब ही दिखना ही समझ में आना चाहिए. क्या है? एकाइनोडर्माटा. इट इज अ सी अर्चिन, वेरी गुड. व्हाट इज दिस? इट्स अ रेप्टाइल, राइट. फ्लाइंग लिजर्ड है, बट इट्स फाइन, रेप्टाइल. व्हाट इज दिस? यस, यूरोकॉर्डेट. याद आया?
में नहीं आ, वेरी गुड, इट्स अ यूरो कॉर्ड है, ट्यूनिक है उसके ऊपर। और लास्ट है नॉटिलस, इट्स स्नेल बेसिकली, इट्स इन मॉलिस्का। और क्या बचा, व्हाट इज दिस, इट्स अ, इट्स इन एम्फिक्सियस, ठीक है, यू कैन सी द होल नोटोकॉर्ड। ओके इजी है, एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, बायलैटरल है। एनी डाउट्स, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एनी कंफ्यूजन? यस स्वयं, डाउट्स क्लियर हो गए तुम्हारे? यस ओके गाइस, सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट परफेक्ट, जो मैंने बोला वो पक्का करो, फुल स्केप वाला। यस टुमारो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, एनिमल टिश्यूज, जिसमें हम लोग एपिथेलियल सेल्स करेंगे। यस उसके बाद संडे को क्विज होगा हमारा ऑन किंगडम एनिमलिया, पूरा रिवाइज करके अच्छे से आओ। यस एंड देन मंडे आई विल डू दैट, व्हाट शुड आई शेयर, द इमेजेस, राइट? यस एंड ओके आई विल डू दैट, ओके एंड मंडे कनेक्टिव टिश्यू वगैरह स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट, सो हमारे 6 चैप्टर्स खत्म हो गए, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना जो चल रहा है? इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। यस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।